मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही विकास यात्रा का शुभारंभ चंदला क्षेत्रीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय विधायक राजेश प्रजापति, SDM लव कुश, नगर निशा बांद्रे व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शुभारंभ नगर परिषद चंदला से किया गया, जिसमें क्षेत्र की सैकड़ों की तादाद में जनता उपस्थित रहे। वहीं बहुत सी कुर्सियां मंच में रिक्त दिखाई दी। क्षेत्रीय विधायक राजेश प्रजापति ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए विकास कार्यों को बिंदुवार गिनाया। चंदला विधानसभा में सड़क निर्माण, अस्पताल निर्माण, आंगनवाड़ी, पेयजल, PM आवास, मनरेगा के कार्य, स्वरोजगार आदि उपलब्धियों को गिनाते हुए मंच में बैठे अन्य पदाधिकारियों ने भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान किया। वहीं इस विकास यात्रा को 5 फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक पूरी विधानसभा में चलाने का बीड़ा उठाया गया है, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग गांव को सूचीबद्ध किया गया है। वहीं जब चंदला विधायक राजेश प्रजापति से नगर पालिका में हो रही कोताही के बारे में पूछा गया तो राजेश प्रजापति ने गोलमोल जवाब देते हुए सुधार करने की बात कही। विधायक से पूछा गया कि नगर परिषद अध्यक्षा अपने चेंबर में यदा कदा ही बैठती हैं, CMO हमेशा नदारद रहते हैं, नगर पालिका स्टाफ समय से नहीं आता, जिससे शासन द्वारा आ रही योजनाओं का लाभ हितग्राही नहीं उठा पाते और विकास कार्य बाधित होते हैं। इस पर विधायक ने अध्यक्ष और CMO का बचाव करते हुए यही कहा कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वही चंदला में बाईपास को जल्द पूर्ण कराने का आश्वासन भी दिया गया। कार्यक्रम चलता रहा और रेत के अवैध भरे ट्रैक्टरों से लगता रहा जाम। विकास यात्रा कार्यक्रम के दौरान अवैध रेत से चल रहे ट्रैक्टरों से सड़क में जाम की स्थिति निर्मित होती रही। जब इस संबंध में SDM लवकुशिंगा ने निशा बंगारे से पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि हम मंच में बैठे थे, जिससे हम उस स्थिति को देख नहीं पाए। खबर जगत के लिए छतरपुर से उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। ये जो कार्यक्रम रहा विकास यात्रा को लेकर के, किस तरीके का कार्यक्रम था और किस तरीके के विकास कार्य आपने बताए? मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकल रही है, हर विधानसभा में विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं और सरकार के द्वारा किए गए कार्य, जो सरकार ने काम किए हैं और जो जन सेवा अभियान अभी बीच में चला था 2 महीने का, उस जन सेवा अभियान में क्या क्या किए गए हैं और किसको क्या क्या हितग्राही किसके लिए पात्र थे, उनका वितरण भी चल रहा है, साथ में उनको वितरण भी करते जा रहे हैं। जो हितग्राही सुझाव देना चाहते हैं कि सरकार को और क्या करना चाहिए, और कोई आदमी शिकायत यदि किसी अधिकारी कर्मचारी या किसी की करना चाहता है तो शिकायत भी कर सकता है और अपने जो व्यक्तिगत कार्य हैं उसको भी बता सकता है। तो विकास यात्रा है कि हमने जो विकास किए हैं 5 में, उसके पहले हमारी सरकार ने जो विकास 2003 से जो हमारी सरकार बनी है तब से हमने कितना विकास किया है इस नगर के लिए, इस क्षेत्र के लिए और पूरे प्रदेश के लिए, उसके लिए विकास। जैसे आपने बताया अभी विकास कार्यों को लेकर के, तो नगर परिषद में भी पार्टी से ही अध्यक्षा बैठी हुई हैं। यहाँ पर देखा गया है कि AHP से संबंधित हो, PM आवास से संबंधित हो, किसी कार्य से संबंधित हो, तो इन कार्यों के लिए ना तो यहाँ स्टाफ समय से मौजूद होता, अध्यक्ष महोदय यदा कदा ही देखी जाती हैं और CMO भी डबल प्रभार होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर चंदला में जो उनका प्रभार है वो स्थायी है और लौकुश नगर में अस्थायी है, लेकिन ज़्यादातर समय वो लौकुश नगर में देते हैं, चंदला में आते नहीं, जिससे जनता अपनी समस्याओं को यूं ही लेकर घर चली जाती। क्या कारण है? जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ पे CMO जो लौकुश नगर में पदस्थापना खाली है, जल्दी से जल्दी हम लोग इसका CMO करवाएंगे। पदस्थापना के लिए फाइल गई हुई है और हम लोग इसको बात करके जल्दी से जल्दी पदस्थापना CMO। सर 2018 में यहाँ नल जल योजना के तहत एक पाइपलाइन आनी थी जो कि 23 कुछ लाख रुपये की थी शायद, लेकिन अभी तक जो है 2018 से लगाकर 2023 तक अभी तक वो नल योजना की अभी कोई भी नींव नहीं रखी गई, क्या कहना चाहेंगे? जल जीवन मिशन में उसको सम्मिलित कर लिया गया है और जल्दी से जल्दी जल जीवन मिशन का जो अभी भारत सरकार बजट पास कर रही है उसमें सम्मिलित करके जल्दी से जल्दी। सर आज नगर की मांग है कि जो है चंदला में बाईपास होना चाहिए, आपने लौकुश नगर में बाईपास करवाया, चंदला की मांग ये जो चल रही है वो कब तक संभव हो सकती है? जल्दी से जल्दी चंदला में भी बाईपास हो। जी PIC की गठन भी नहीं हुआ है नगर परिषद से, अध्यक्ष महोदय अलग से ऑफिस बना के बैठते हैं, आखिर ये कब तक सुधरेगी ये व्यवस्थाएं? उनका व्यक्तिगत ऑफिस होगा, जो भी होगा व्यक्तिगत ऑफिस। तो क्या नगर परिषद में बैठना उनका दायित्व तो नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये है, सभी के व्यक्तिगत ऑफिस भी होते हैं और सरकारी ऑफिस भी होते हैं, वो सरकारी ऑफिस में भी बैठ सकती हैं और अपने घर के ऑफिस में भी बैठ सकती हैं। देखिए कोई का घर का भी उसका अधिकार होता है कि घर में व्यक्ति
सुबह शाम या संडे अंडे को आता है तो उसके लिए भी वहाँ पे मौजूद होना आवश्यक है। लेकिन सर वर्किंग डे में यहाँ पर बैठना भी उनका दायित्व तो बनता है, जो जनता आती है, जो जिन्होंने वोट दिया है उनकी समस्या कैसे मैं बात कर करके वो भी बैठ नहीं पाता। धन्यवाद। पात्र हितग्राही हैं तो उनके आवेदन लेकर के उनको लाभ दिया जाएगा। तो ये विकास यात्रा का एक रूट चार्ट बना हुआ है जो विभिन्न गांवों से होकर विभिन्न शहरों के वार्डों से होकर के जाएगी और जनता के बीच में जाकर सारे अधिकारी उनकी समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। जी मैडम, देखने में मिला कि विकास यात्रा का मंच चल रहा था, अनुभाग के दो दो मतलब उच्च अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और मुख्य सड़क पर अवैध रेत के ट्रैक्टरों की वजह से जाम लगता रहा, क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह का अगर संज्ञान में आया है तो हम लोगों तो वहाँ बैठे थे, हमें दिखा नहीं, आया होता आप तुरंत बताते तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते। बहुत धन्यवाद।